अपने संकल्पों को आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र कर दे। अपने बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र से देखे इस शरीर में विराजमान मुकुटी के बीच स्थित मैं एक ज्योति पुंज हूं। इस शरीर में रहकर भी पांच तत्वों से बने इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य अलौकिक प्रकाश हूं। अजर अमर अविनाशी अनंत शक्तिमान आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि का मालिक हूं। मैं चेतन आत्मा ही भ्रुकुटी के बीच बैठकर संकल्पों की रचना करता हूं। निर्णय करता हूं। मैं ही इस स्थूल शरीर का आधार लेकर कर्म करता हूं। अब अपने दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से कुछ देर तक निहारे अपने निजी स्वरूप को। अपने दिव्य तेजस्वी ज्योतिर्मय रूप को अनुभव करे मुझ दिव्य ज्योति से निकलता दिव्य प्रकाश तेजस्वी किरणों के रूप में पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश तीव्र होते जा रहा है। इस प्रकाश से निर्माण होने वाला ऑरा बढ़ता जा रहा है। मैं अलौकिक शक्ति से भरते जा रहा हूं। मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूं।
ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे यह स्थूल शरीर है भी और है ही नहीं। बिल्कुल भी शरीर का भान नहीं, अब बस आत्मा का भान, सोल कॉन्शियस स्टेज। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने से अब देह के सभी बंधन टूट रहे हैं। अब इस देह और देह के संबंधों का कोई बंधन नहीं। मैं आत्म पंछी उमंग उत्साह के पंख लगाकर अब उड़ते जा रहा हूं अपने घर परमधाम की ओर। मुक्त गगन में उड़ते हुए पहुंच जाता हूं आकाश तत्व के पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, अपने स्वीट साइलेंस होम। यह मेरा और मेरे प्यारे शिव पिता का घर परमधाम है। चारों ओर मधुर निस्तब्धता है, डीप साइलेंस है। मैं यहां मुक्त हूं, निश्चिंत हूं। मैं शांति धाम में अपने अनादि आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं। अपने मूल अनादि स्वरूप में स्थित होने से सहज ही मेरे अनादि गुण और संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख,
प्रेम, आनंद और शक्ति से भरपूर अनुभव कर रहा हूं। दिव्य गुणों के सागर, एवर प्योर ऑलमाइटी शिव बाबा की किरणों रूपी बाहों में समाकर मैं संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाता हूं। संपूर्ण अवस्था का अनुभव मैं अपने घर में कुछ समय तक इसी संपूर्ण स्थिति में विश्राम करता हूं। और अब इसी संपूर्ण अवस्था में धीरे धीरे नीचे आकर अनासक्त भाव से इस भौतिक जगत में उपस्थित होता हूं। इस बेहद के ड्रामा के स्टेज पर वापस आने पर अब देह का कोई भान नहीं, देह भान, देह अभिमान से पूरी तरह मुक्त, आत्मिक स्थिति में स्थित, सभी कर्मेंद्रिया शीतल सरल चित,
इंद्रियों को आकर्षित करने वाले मायावी संसार का अब मुझे किंचित भी आकर्षण नहीं। देह में रहते सदा आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव मैं चलते फिरते स्वयं को देह न समझ चमकती हुई मस्तक मणि समझता हूं। किसी के भी देह को देखते हुए भी न देख, बस मस्तक पर चमकती हुई मणि को ही देखता हूं। आत्मा को ही देखता हूं। आत्मा बन अपने आत्मा भाई को ही देखता हूं। अनासक्त भाव से इस बेहद के ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करते हुए मैं इस सृष्टि रंग मंच पर पार्ट बजाते अपने आत्मा भाइयों को ही देखता हूं। सभी आत्माएं एक शिव पिता के बच्चे है, आपस में भाई भाई है। मेरे सभी आत्मा भाई इस कल्याणकारी ड्रामा में अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। सभी का वंडरफुल वैरायटी पार्ट है। किसी के भी स्वभाव संस्कारों को देखते हुए मैं उस आत्मा प्रति शुभ भावना रखता हूं। कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देख, मैं सदा स्मृति में रखता हूं कि यह भी मेरा आत्मा भाई है। सबका वैरायटी पार्ट है। कमजोर को भी आत्मिक रूप में देखते हुए मैं उसे अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन कर देता हूं।
सबके प्रति रूहानियत भरी दृष्टि, पवित्र दृष्टि, शुभ भावना, सोल कॉन्शियस स्टेज, साकार शरीर में रहते अपने शुद्ध नेचुरल निजी गुणों और शक्तियों की अनुभूति, अपने निजी गुणों और शक्तियों की नेचुरल स्मृति में रहकर हर कर्म करते हुए कर्म बंधन से न्यारा रहकर अपने सतयुगी देवता स्वरूप के समान नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति में स्थित शांति।